खबर कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके से है, जहां बोरे में बंद महिला के शव मिलने के चलते इस मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया। महिला के पोस्टमार्टम के बाद मिले कपड़ों ने सबको चौंका के रख दिया। बताया जा रहा है कि महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई। साथ ही महिला के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों को उसके पेट में कपड़े मिले हैं, जिसे डॉक्टरों ने बाहर निकाला। और वहीं इसकी जानकारी सामने आने पर मृतका के परिजनों ने पुलिस थाने में हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। और साथ ही उन्होंने हंगामा करते हुए पुलिस पर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने और साथ ही गैंगरेप का मामला दबाने का भी आरोप लगा दिया। परिजनों के अनुसार अगर माने तो मृतका की पहचान होने पर भी पुलिस ने आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। इससे जाहिर होता है कि पुलिस के आरोपियों से कोई मिली भगत अवश्य होगी। वही हंगामे की सूचना पर रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर भी थाने पहुंचे और परिजनों से इस पूरे मामले की जानकारी ली। इधर पुलिस का ये भी कहना है कि गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है। बता दें कि शहर के विज्ञान नगर थाना इलाके में 4 दिन पहले एक महिला का शव बोरी में बंद मिला था। इससे पहले कि परिजन बुधवार को मृतका के पति गुलाबचंद बंजारा ने पहने हुए कपड़ों से उसकी शिनाख्त की, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार करवाना परिजनों के लिए एक शक का विषय बन गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अंतिम संस्कार से पहले डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम भी किया था। जो हत्यारे जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, क्योंकि एक मजदूर महिला, गरीब महिला का जिस प्रकार से हत्या की गई है, और मुझे लगता है कि गैंग रेप के बाद उसकी हत्या की गई है, जल्दी से जल्दी पकड़ में आने चाहिए। मैंने पुलिस प्रशासन को कह दिया है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पकड़ में आने चाहिए, नहीं तो फिर हम राजनीति में काम करते हैं, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से हम हमारी बात को कह सकते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। सरकार तुम पर को प्रेशराइज कर सकती है, तो जनता भी कई गुना आपको प्रेशराइज कर सकती है कि आपको असली हत्यारों तक पहुंचना ही पड़ेगा। परिजनों का यही कहना है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके आधार पर भी आगे बढ़ेंगे और मुलजिम को पकड़ने के लिए और इस महिला के संदर्भ में भी वे अन्य उस महिला की वास्तविकता का पता लगाने के पूरे प्रयास किए।